जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों को लेकर के मुठभेड़ लगातार जारी है। खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के एक कैप्टन शहीद हो गए हैं, जबकि 4 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। डोडा में शहीद होने वाले कैप्टन दीपक सिंह 48 रश राइफल से हैं। वो डोडा में आसार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने बताया है कि भारी गोलीबारी के बीच आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। ऑपरेशन के दौरान युद्ध जैसे भंडार बरामद किए गए। सेना के मुताबिक एनकाउंटर अभी भी वहां चल रहा है। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। सुबह से फायरिंग के दौरान पीछे वो भाग गए थे। वहां से जवानों को अमेरिकी M4 राइफल और 3 बैग में विस्फोटक बरामद हुए। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुछ आतंकी जम्मू के उधमपुर जिले के पटनी टॉप और डोडा जिले के असर के बॉर्डर के जंगलों में छिपे हुए हैं, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।